फ्रेंड्स, आज इंस्टेंट आंवले बनाने जा रहे हैं। जो इसे आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। यह बहुत सिंपल मेथड है और खाने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है। इसे आप थोड़ा थोड़ा बनाइए 8-10 दिन के लिए। जब तक क्रंच रहता है इसका स्वाद अच्छा लगता है। आंवले के गुण तो आपको मालूम है, यह विटामिन सी से भरपूर है। आंवला एक प्रकृति का वरदान भी माना जाता है, इसे धात्रीफल भी कहते हैं। यह विटामिन सी से भरपूर है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और रोगों से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर में उपस्थित वात, पित्त, कफ, दोष को साम्यावस्था में बनाए रखता है। इसमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट के गुण हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाव करता है। साथ ही यह बूढ़े होने की प्रक्रिया को भी कम करता है। इसमें और भी अनेक फायदे हैं, आइए हम इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने यह आधा किलो आंवला ले लिया है। इसे हम बहुत सादे ढंग से बनाने वाले हैं, जिससे बच्चे बड़े सभी इसे आसानी से खा सकते हैं और यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। आइए देखते हैं हम इसे बनाते हैं। इसे हम अच्छे से चाकू की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। इसके टुकड़े कर लेंगे इस तरह से हम इसे काटते जाएंगे। पतली लंबी चिप्स करते जाएंगे। इस तरह हमने एक आंवला काट लिया है। इस तरह हम इसे काटते जाएंगे। इस तरह से काटते जाएंगे। आंवले बच्चों को ज़्यादातर पसंद आते हैं और यह सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। हमने इस तरह से आंवला पूरा काटते गए। इसमें हम 4 चम्मच नमक डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। ये चम्मच मेरी छोटी सी है। हमने एक नींबू ले लिया है, इसे काट के हम इसका रस डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आधे घंटे के बाद हम एक बर्नी में भर देंगे। इस तरह हमारा इंस्टेंट आंवला बना लिया हमने। यह इसे हम एक बर्नी में भर देंगे। आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।